बिल्कुल नाजिन सेक्टर मौजूद है, कराची का इलाका है गुलशन मेमार। कोरोना वायरस की अगर बात की जाए वो तेज़ी से फैलता जा रहा है और सिंध हुकूमत की तरफ से कारोबार दुकानें वो भी बंद कराने का मुतालबा किया है। आइए तो हमारे साथ लोग मौजूद है, सवाल है सुखा क्या ऐसा मैं बेरोजगारी की वजह से बहुत तंग आ गया इधर 15 दिन हम लोग कहाँ जाए, होटल वगैरह भी सब बंद हो गया, हम कहाँ जाए, हम कहाँ खाना पीना में नहीं मिलेंगे इधर इस सारा में हम लोग इशार हुए इधर आडे पे आएगा कुछ दिनों में दिहाड़ी नहीं मिलेंगे, हम तकरीबन 1 महीना इधर होगा, हम हर बेरोजगार हर गरीब लोग बेरोजगार इधर काम नहीं मिलेंगे। हम हुकूमत को ये कहना चाहता है कि भाई ये होटल वगैरह जो है खोलो, हम लोगों को इधर कुछ भी नहीं मिलता है, अभी हम किधर खाना खाओ, हम मुसाफिर लोग हैं, रोटी के लिए हम किधर बेटा इधर भूख से मर रहे हैं, मरीज आदमी कहाँ घर को है, कारोबार है नहीं, घर पर राशन नहीं है, रोडों पर निकले गया भूख से मरे, बड़े लोग जरा ख्याल नहीं करते, अपनी जेब भर के बैठ जाते हैं आराम से। हुकूमत को ये कहना चाहते हैं रोडें क्यों बंद की हुई हैं, वायरस वायरस नहीं है, सब झूठ है क्या, या रोडों पर निकले अमीर जागीरदार तो खा सकते हैं। कुछ दिन हो गया बिल्कुल बेरोजगारी है, खाने पीने के कुछ नहीं मिल रहे है, बिल्कुल काम है ही नहीं, अंदर तंदर से काम था वहाँ से हम लोगों को निकाल दिया, बाहर लाया, बाहर से जो है ना अभी यहाँ पे कोई रेट ही नहीं दे रहे, कोई पूछता ही नहीं है, बड़े लोग आते वो हमें पास इधर छोड़ते नहीं है, कहते कि बीमारी लग रहा है ये लग रहा है, यहाँ से भी हमें भगा रहे, कोई काम है नहीं, हम आगे से क्या, होटलें बंद है, सब कुछ बंद है, ना खाने को कुछ मिल रहा है, ना पीने को कुछ मिल रहा है, ना कुछ पानी मिल रहा है, ऊपर से हुकूमत भी जो है ना हमें भगा रहे, यहाँ से कह रहे कि आप यहाँ से चले। इन लोगों के तासरात सुने, इन लोगों का यही कहना था कि हुकूमत का फैसला हमारे लिए आम है और उसके बाद हम भी मजदूर बंदे हैं, हम भी कोई राशन के लिए कुछ ना कुछ हुकूमत को सोचना चाहिए। कैमरा टीम के साथ आफ्ताब अहमद, कैच है न्यूज़ कराची।